दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरल रीफ क्या होते हैं एक्चुअल में, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं, आखिर ये क्या होता है। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है वो चाहे आप कोचिंग में पढ़ लो आपको आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में आपको इस पूरे टॉपिक को करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानो कि ये न्यूज़ इस समय करंट अफेयर्स में क्यों चल रही है। इस वजह से चल रही है, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ के जो कोरल रीफ्स थे वो पूरी तरीके से ब्लीच हो चुका है उनका। और कोरल का ये जो कोरल ब्लीचिंग वाला प्रोसेस होता है ये शो करता है कि किसी भी देश का जो जो एटमोसफियर है वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है या प्रभावित हो रहा है। इसका ब्लीचिंग प्रोसेस जो है ये अच्छा संकेत नहीं है पर्यावरण के लिए, एक तरीके से खतरा शो करता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार मार्च 2020 में किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में रिकॉर्ड प्रवाल विरंजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, पाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो चूंकि इसका कोरल ब्लीचिंग हो चुका है इस वजह से इसका मतलब साफ हो गया है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है, जो कि एक संकट की बात है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस टॉपिक में जो डिस्कस किया गया है कि कोरल रीफ, तो कोरल रीफ एक्चुअल में होता क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो इसको हम लोग पहले क्या समझेंगे दोस्तों, अभी तक हम सभी लोगों ने कोरल रीफ्स को देखा तो है लेकिन अभी हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसको जानते नहीं हैं। कोरल रीफ्स की फ़ोटो आपने ज़रूर देखी होगी, आपने कई बार जब भी समुद्र का फ़ोटो गूगल पर या फिर एक्चुअल में देखा होगा तो आपने देखा होगा समुद्र के अंदर में रंग बिरंगे छोटे छोटे उभरी हुई आकृतियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जैसा कि ये आपको येलो कलर का, इस तरफ आपको ये दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे जली समुद्र के अंदर में उभरी हुई आकृतियाँ दिख रही हैं इनको ही कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। चूँकि समुद्र के अंदर में ये उभरी हुई आकृतियाँ इस प्रकार से बनी हुई हैं, ऐसा लगता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटी मोटी मछलियों के लिए एक घर के तरीके काम कर रहे हैं। इस वजह से होता क्या है, समुद्र के अंदर रहने वाली छोटी छोटी जो प्रजातियाँ होती हैं, मछली हो गई, केकड़ा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, वो इसी के अंदर छिपकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ गए कि सर ये जो उभरी हुई आकृति दिख रही है रंग बिरंगी, इसको कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। एक और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको ये जो उभरी हुई आकृतियाँ यहाँ पर पूरे समुद्र के अंदर में दिख रही हैं इसको ही कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने की ये बात है, अगर आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे पूछे तो आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों होता क्या था कि बहुत सालों तक लोग ऐसा समझते रहे कि ये जो कोरल होते हैं, कोरल रीफ्स जो होता है, ये एक प्रकार का समुद्री पत्थर है। तो इसको जैसा कि आपको देखने में ही आपको लग रहा होगा कि एक पत्थर के जैसा यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत सालों तक लोग समझते रहे कि ये एक पत्थर होता है। फिर एक प्रकार का कोरल रीफ्स जब देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं, तो इस वाले कोरल रीफ को जब आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेड़ है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये पत्थर नहीं, ये एक्चुअल में एक पेड़ है। तो ना तो ये पत्थर है ना तो ये पेड़ है, तो ये फिर एक्चुअल में है क्या, तो वो समझते हैं। एक्चुअल में जो कोरल रीफ्स हैं, जब साइंस का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ तो ये पता चला कि कोरल रीफ जो है ये एक समुद्री जीव है। ठीक है, अगर ये समुद्री जीव है तो ये चल क्यों नहीं रहा, इसका हाथ पैर कहाँ पर है, ये कैसे पता चला। तो इसको समझने के लिए हम पूरा अच्छे से समझते हैं कि कोरल रीफ को हिंदी में कहा जाता है प्रवाल भित्ति। तो अगर हम लोग प्रवाल का मतलब समझ गए और भित्ति का मतलब समझ गए तो फिर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो प्रवाल क्या होता है, देखो भित्ति का मतलब होता है चट्टान या फिर पहाड़ या छोटी सी शिला। ठीक है, तो यानी कि प्रवालों का जो चट्टान बनता है उसी को हम लोग प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन चट्टान तो हम समझ गए, भित्ति तो हम लोग समझ गए, ये प्रवाल क्या होता है, प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जिसको एक दूसरी भाषा में मूंगा भी कहा जाता है। तो हम लोग मूंगा के बारे में जान लें, वही प्रवाल का परिभाषा हो जाएगा। तो एक प्रकार का समुद्री जीव है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कोरल रीफ क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। कौन से, ये है एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो मूंगा होता है ये छोटे छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं
कि इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो जीव होते हैं ये लाखों करोड़ों की संख्या में आपस में समूह बनाकर रहते हैं। जिस प्रकार से इनको जब आप देखोगे तो ये छोटे 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 असंख्य मतलब लाखों और करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे दाने अगर आपस में चिपक जाएंगे तो वो आपको पत्थर के जैसे ही देखने में लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो इतना बड़ा पहाड़ आप देख रहे हो कोरल रीफ्स का, ये एक्चुअल में छोटे छोटे कोरल्स का समूह है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब आगे चलते हैं। होता क्या है कि ये जो मूंगा नाम का जीव मैंने आपको बताया, कोरल जो होता है ये इतना छोटा होता है, उसके बाद में ये अपने शरीर के चारों तरफ एक छोटी सी दीवार बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कि पत्थर के जैसा लगता है। तो ये जो छोटा सा जीव है अपने शरीर के चारों एक शंख टाइप का एक दीवार बना लेता है, इसी वजह से ये पत्थर के जैसा लगने लगता है। और ये जो दीवार बनाकर मूंगा इस प्रकार से रहता है, इसको ही साइंस की लैंग्वेज में पॉलिप के नाम से जाना जाता है। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिप क्या होते हैं, तो पॉलिप आप समझ गए, मूंगा जो होता है अपने शरीर के चारों ओर एक शंख टाइप की दीवार बना लेता है, छोटा सा ही होता है, तो उसे ही पॉलिप कहा जाता है। तो एक डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि कोरल रीफ क्या होता है, तो आप बताना कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिप्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर समूह के रूप में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको ही कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। अब एक फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखो, जैसे ये कोरल रीफ है, ठीक है, ये इस प्रकार से कोरल रीफ दिख रही है। अगर इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो आपको देखो ये छोटे छोटे पॉलिप्स दिख रहे हैं। तो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में पॉलिप्स जो हैं वो अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो इस प्रकार से वो कोरल रीफ बना देते हैं। यहाँ तक तो बात सही थी। अब मन में एक सवाल आता है कि सर कोरल रीफ जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये समुद्र के अंदर में रेड, नारंगी, गुलाबी, हरे, अलग अलग प्रकार के कलरफुल कैसे आ जाते हैं उसको समझते हैं। उसी से आपको आगे ये पता चलेगा कि इनका ब्लीचिंग प्रोसेस क्या कहलाता है। एक छोटी सी चीज़ और समझते चलेंगे, समय समय पर ये जो पॉलिप्स हैं ये मरते रहते हैं, तो जो मरे हुए पॉलिप्स हैं वो इकट्ठे होकर एक दीवार बना देते हैं, उसके ऊपर में जो दूसरे पॉलिप्स हैं वो आकर चिपक जाते हैं। तो ये जब लेयर पर लेयर लेयर पर लेयर बनती जाएगी तो वो आपको पत्थर के जैसी लगने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके कलरफुल होने का कारण हमें समझना था। देखो, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोरल होते हैं अगर ये जीव हैं तो इनके लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। होता ये है कि कोरल रीफ्स जो होते हैं ये एक शैवाल के साथ में सहोपकारिता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। इसका मतलब हुआ कि एक शैवाल है जिसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि वो जो शैवाल है वो इस कवक को इस कोरल को अब भोजन प्राप्त करवाता है, बदले में जो कोरल रीफ्स होते हैं उस शैवाल को रहने के लिए अपने घर में आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में मिलकर जुलकर रहते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ वो कौन सा शैवाल है जो कोरल रीफ्स पर रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जूजे थिली। जूजे थिली नाम का एक शैवाल होता है जो कि इसी कोरल रीफ्स में रहता है। क्यों रहता है आपको बता चुका हूँ, कोरल रीफ्स के लिए वो भोजन की तरह काम करता है और कोरल रीफ्स उसको अपने बदले में उसको आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कोरल का रंग जो है वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से ये जो शैवाल है जिसको जूजे थिली शैवाल बोलते हैं ये अलग अलग कलर का हो सकता है। चूंकि एक शैवाल है कभी लाल, पीला, हरा, गुलाबी, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो वाइट कलर के कोरल रीफ पर अगर रेड कलर का शैवाल आएगा तो पूरा का पूरा कोरल रीफ आपको वाइट रेड कलर का दिखने लगेगा। इसी वजह से, इसी शैवाल की वजह से कोरल रीफ्स अलग अलग प्रकार के कलर्स के होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको दिखा देता हूँ एक फोटो में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इधर में आपको देखो येलो कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ये समझना है कि प्रश्न पूछा जाता है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग क्या बताता है, होता क्या है कि जब इस प्रकार से ये जब बना होता है पूरा प्रोसेस, मान लीजिए किसी जगह पर कोरल रीफ में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होने लगती है कह सकते हो कि
ग्लोबल वार्मिंग जैसा कंडीशन जब क्रिएट होता है तो उस केस में ये जो जूझे थिली सैवाल होता है ये क्या करता है कि ये एक प्रकार से पर्यावरण के इस नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए उस कोरल रीफ को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो जब ये कलरफुल सैवाल उस कोरल रीफ को छोड़कर जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो रेड कलर का सैवाल मान लो वो अगर चला जाएगा तो कोरल रीफ जो अपना एक्चुअल कलर है वाइट कलर उसमें दिखना शुरू हो जाती है। इसी को ही कोरल ब्लीचिंग का के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे होता, इस वजह से है कि जैसे जैसे प्रकाश तीव्र होता जाएगा तो ये जो सवाल होता है ये अपनी प्रकाश संश्लेषण की अपनी जो दर होता है उसको बहुत ज़्यादा तेज कर देता है, तीव्र कर देता है, जिससे क्या होता है इसके ऊतकों में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, जिस वजह से उसको संतुलित करने के लिए ही ये उस अपने शरीर को शरीर से निकाल देता है, जिस वजह से ये वहाँ से चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको ही इसका एक फ़ोटो देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक हेल्दी कोरल, यानी कि एक कोरल है उसके ऊपर में ये सैवाल लगा हुआ है तो ये कलरफुल आपको दिख रहा है तो ये हेल्दी कहा जाएगा। अगर आपके देश का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आपको वाइट कलर का दिखेगा, जिसको कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको कोरल ब्लीचिंग देखना है तो आपको जाहिर सी बात है समुद्रों के पास में जाना पड़ेगा। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में ये जो कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो भारत में मुख्यतः चार स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है कच्छ की खाड़ी, वहाँ पर आपको सबसे कम मात्रा में होगी। उसके बाद में है मन्नार की खाड़ी और है लक्षद्वीप। इन चार स्थानों पर आपको कोरल रीफ्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।